ठीक है, तो आप बस अपना दिन एंजॉय कर रहे हैं और अचानक से आपको कहीं से भद्दी बदबूदार गंध आती है। आप हर तरफ देखते हैं और ओ, ये तो आपकी नाभि से आ रही है। आप ये जानकर शॉक्ड हैं और कंफ्यूज्ड भी। आपकी नाभि ऐसी क्यों है? वेल, आज के इस वीडियो में हम इसका और कुछ और सवालों का जवाब देंगे। मेरी नाभि से बदबू क्यों आती है और बहुत कुछ। पर उससे पहले सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आप सभी अजीब स्वच्छता और शरीर संबंधी तथ्य जान सकें। क्योंकि अगर आप विचित्र सवालों के जवाब खोज रहे हैं तो जाहिर है आप अपने बेस्टी के पास आएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं उस सवाल का जवाब देकर कि मेरी नाभि से गंध क्यों आती है। वेल, आपकी नाभि से बदबू आने के कई कारण हो सकते हैं और हम हेल्पलाइन का धन्यवाद देते हैं कि हमें उनके कारण सब पता है। तो इस वीडियो में हम मुख्य रूप से उनके विचारों और तथ्यों से परामर्श लेंगे। कम से कम तब आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे कि मेरी नाभि से गंध क्यों आती है। नाभि से बदबू आने का पहला कारण, हेल्पलाइन के अनुसार इसका सबसे पहला और शायद सबसे आम जवाब है अस्वच्छता। स्वच्छता का निरीक्षण करना अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। हम इस पर और जोर नहीं दे सकते। आपको विशेष रूप से नाभि के भीतर स्वच्छता का निरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि हेल्पलाइन का कहना है कि ये आपका खुद का एक छोटा इकोसिस्टम है। तो पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस द्वारा की गई शोध में पाया गया कि हमारी नाभि लगभग 70 अलग अलग तरह के बैक्टीरिया का घर है। फंगस और अन्य कीटाणु भी नाभि के अंदर फंस सकते हैं। फिर ये बैक्टीरिया और कीटाणु मृत त्वचा, गंदगी, पसीना और अन्य सभी गंदी बदबूदार चीजों को खाते हैं जो नाभि में पाए जाते हैं और बढ़ते रहते हैं। कुछ समय बाद, और खासकर जब आप स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते और उसे साफ नहीं करते, तो वो बहुत सारे पसीने और गंदगी के साथ मिल जाता है और महकने लगता है। तो अब आप जानते हैं कि आपकी नाभि से बदबू इसलिए आती है क्योंकि आप उसे अच्छे से साफ नहीं रखते। नाभि से बदबू आने का दूसरा कारण, आपकी नाभि से गंदी बदबू आने का दूसरा कारण स्वच्छता की तुलना में अधिक गंभीर है। वो है संक्रमण। हेल्थलाइन के लोगों के अनुसार कैंडिडा एक प्रकार का खमीर है जो अंधेरे, गर्म और नम वातावरण में बढ़ना पसंद करता है। ये अन्य संक्रमणों के बीच न केवल भयानक बुरी गंध पैदा करता है, बल्कि शरीर के लिए बहुत सारी संभावित समस्याएं भी पैदा करता है। यदि इसे धोने के बाद भी बदबू नहीं जाती, तो मतलब आप बदबूदार इन्फेक्शन से पीड़ित हैं और आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। नाभि से बदबू आने का तीसरा कारण, ये थोड़ी और गंभीर स्थिति है। इसलिए ऐसा केवल तभी हो सकता है जब आपने पूरी तरह पहले के दो विकल्प खारिज कर दिए हों। तैयार है? ठीक है, तो बदबूदार नाभि का तीसरा कारण है एपिडर्मॉइड और पिलर सिस्ट। आप शायद कल्पना कर सकते हैं कि ये क्या है, लेकिन हम हेल्पलाइन को इसे बेहतर तरीके से समझाने देंगे। एपिडर्मॉइड सिस्ट एक ऐसी गांठ है जो त्वचा की ऊपरी परत में शुरू होती है और पिलर सिस्ट बालों के रोम के पास शुरू होते हैं। ये दोनों ही सिस्ट की मेम्ब्रेन में सेल्स होते हैं जो मोटे केराटिन प्रोटीन कीचड़ का उत्पादन और सिक्रीशन करते हैं। अगर इनमें से कोई एक सिस्ट बड़ा होकर फूट जाता है, तो इसमें से गाढ़ा पीला दुर्गंध पस निकलता है। तो अगर आपकी नाभि के चारों ओर अजीब सी गांठें हैं, तो आपको एपिडर्मॉइड या पिलर सिस्ट्स हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो डॉक्टर को दिखाएं। नाभि से बदबू आने का चौथा कारण, ऑलराइट, तो बदबूदार नाभि का सबसे आखिरी कारण भी तीसरे कारण की ही तरह गंभीर है, पर यह बहुत आम नहीं। चौथा कारण है सिबेशियस सिस्ट्स। फिर से हम हेल्पलाइन के जरिए इसे समझाएंगे। ये सिबेशियस ग्लैंड्स में उत्पन्न होते हैं जो आमतौर पर सीबम नामक मोमी और तेलिया लिपिड मिश्रण का उत्पादन त्वचा के ल्यूब्रिकेशन और सुरक्षात्मक गुणों के लिए करते हैं। सिबेशियस सिस्ट सीबम से भर जाता है और संक्रामक बन सकता है। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया, तो ये बहुत बदबूदार भी बन सकते हैं। हम फिर से कहेंगे कि अगर आपकी नाभि के पास सिस्ट है, तो प्लीज डॉक्टर को दिखाएं। वेल, अब आप जान गए हैं कि आपकी नाभि से बदबू क्यों आती है। अगर ये खराब हाइजीन के कारण ना हो, तो संभवतः डॉक्टर से मिलें। वैसे भी आप नहीं चाहेंगे कि शरीर के किसी भी हिस्से से बदबू आए, चाहे वो नाभि से ही क्यों ना हो।
साथ ही इसे नजरअंदाज कर संभावित रूप से भविष्य में खुद को नुकसान पहुंचाना ही क्यों। और इसलिए अब हम बदबूदार नाभि से बढ़कर मानव शरीर के कुछ दिलचस्प तथ्यों के बारे में बात करते हैं। क्या पता और कहीं से भी बदबू आती हो। असामान्य तथ्य नंबर एक, जरा शर्माने के बारे में सोचिए। आप उस क्यूट लड़की को देखते हैं जो आपको पसंद है, या फिर जब आपका क्रश आपकी तारीफ करता है, तब आप खुद को शर्म से लाल होने से रोक नहीं पाते। पर क्या आप जानते हैं जब आप शर्माते हैं आपका पेट भी शर्माता है। हाँ, 22 वर्ड्स के अनुसार जब भी आप बाहरी रूप से शर्माते हैं अंदर पेट भी शर्माता है। हम सभी को पता है आदमी के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, पर किसे पता था कि इसका मतलब ये होगा। असामान्य तथ्य नंबर दो, शर्माते हुए पेट से चलिए आँखों की पलकों पर चलते हैं। शायद आप उन्हें बनाने में घंटों बिताते हो, या हो सकता है कि आप फॉल्सीज पहनते हो, लेकिन इन सब से आप केवल घुन के लिए घर बना रहे हैं। हाँ, ये सच है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ अस्थमा एलर्जी एंड इम्यूनोलॉजी के एक अध्ययन के अनुसार एक डीमोडेक्स माइट्स नामक घुन होता है जो आपकी पलकों में रहता है। जाहिर सी बात है कि वो आपकी पलकों में खाते हैं, सोते हैं और यहाँ तक कि बढ़ते भी हैं। असामान्य तथ्य नंबर तीन, याद है आदमी के पेट का रास्ता उसके दिल से होकर गुजरता है। ओ नो नो, उल्टा बोल दिया। खैर छोड़िए, कुछ देर दिल की बात करते हैं। आपके दिल के बारे में एक मजेदार बात है। allthatsinteresting.com के लोगों ने हमें बताया है कि दिल शरीर के बाहर होने के बाद भी धड़क सकता है। अल जजीरा अमेरिका द्वारा की गई रिपोर्ट, जो allthatsinteresting.com पर आधारित थी, बताती है कि ट्रांसप्लांट के समय दिल धड़कता रहता है। गजब है ना? पर ये कसम से काफी क्रीपी भी है। असामान्य तथ्य नंबर चार, तो अब हम दिल से चलते हैं सलाइवा पर। देखा जाए तो हम इंसान बहुत थूकते हैं। तथ्य की बात करें तो scooppoop.com के अनुसार मनुष्य एक दिन में लगभग 1 लीटर सलाइवा पैदा करता है। ऐसा हम अपने मुंह को साफ, स्वस्थ और बैक्टीरिया मुक्त रखने के लिए करते हैं, पर सच में ये बहुत सारा थूक है। असामान्य तथ्य नंबर पाँच, शरीर के बारे में कितने मजेदार, असामान्य और अजीब तथ्य हैं। हम अपने बारे में बहुत ही भयानक लेकिन अजीब तथ्यों को जान रहे हैं, है ना? ठीक है, तो सलाइवा से चलते हैं मनुष्य के दिमाग पर, जो इस दुनिया की सबसे जटिल प्रणालियों में से एक है। ये इतना जटिल है कि हम इंसान अभी तक इसके प्रत्येक काम को पूरी तरह से समझ भी नहीं पाए हैं। मानव इतिहास में अभी तक हम हमारे प्रारंभिक अंग के काम करने के तरीके के बारे में अंधेरे में हैं। वैसे ये वो बात नहीं जिसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं, ये उतना भी असामान्य नहीं। हमने फिर से allthatsinteresting.com की सलाह ली और उन्होंने बताया कि अत्यधिक भूख लगने पर मस्तिष्क खुद को खाना शुरू कर देगा, बिल्कुल ज़ॉम्बी की ही तरह। पर अगर वो ज़ॉम्बी आपके अंदर हो और वो आपका मस्तिष्क खा रहा हो, ओहो, ये तो सोचकर ही सिर दुख सकता है। असामान्य तथ्य नंबर छह, जब तक आप सरदर्द की दवाई लेते हैं, क्यों ना हम एक ऐसे तथ्य की बात करें जो इतना सिर घुमाने वाला नहीं। चलिए मस्तिष्क से चलकर अब हम अपने निजी हिस्सों की बात करते हैं, जिसमें हम पेशाब के बारे में बात करेंगे। केंट स्टेट साइंस डिपार्टमेंट के अनुसार ताज़ा मूत्र पानी, थूक और यहाँ तक कि आपकी त्वचा की तुलना में भी साफ होता है। असामान्य तथ्य नंबर सात, अब फाइनली शरीर का आखिरी असामान्य तथ्य। हम सब जानते हैं कि मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, पर क्या आप सोच सकते हैं कि ज्यादातर हड्डियाँ कहाँ होती हैं? अगर आपका जवाब है तलवा, तो आप बिल्कुल सही हैं। ऐसा healthcommunities.com के लोगों और विशेषज्ञों का कहना है, जो बताते हैं कि 26 हड्डियाँ सिर्फ एड़ी और पैर के तलवे में स्थित होती हैं। और इस तरह असामान्य तथ्यों और नाभि की बदबू पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। क्या आपने कुछ सीखा? अगर आप जिगर के साथ इस पूरे वीडियो को देख पाए तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया तो बेस्टी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।